परेशान है वो लोग भी, उनका भी दिक्कत हो रही है, सरकार का पैसा बैंक का नहीं चुका पा रहे हैं। तो आप बताइए कि उनको क्या आप दबाव बनाइए, क्या आंदोलन कीजिएगा, स्ट्राइक तो नहीं कर सकते हैं, कारखाने बंद तो नहीं कर सकते हैं, समाधान नहीं होगा। तो उनसे मिलजुल कर बातचीत करके रास्ता निकाल कर कुछ ना कुछ राहत पहुँचाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा तो मेरा रिक्वेस्ट सरकार से होगा, राज्य सरकार और भारत सरकार से, कि अभी तत्काल तो उनको सीधे पैसा दे करके हेल्प करना चाहिए, सीधे उनके परिवार के बच्चे को इतना तो पैसा देना चाहिए कि कम से कम 2-4 महीना उनको खाने की तकलीफ नहीं हो, जब तक कि स्थिति थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती है या पुनः वो अपने जॉब में नहीं चले जाते। तो बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को संगठित करना, सबको लेकर चलना, जो कारखाने चल रहे हैं उनको लेकर चलना, जो बंद है उनको चलाना खुलवाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि काम आसान नहीं है। और हम लोग ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, केवल स्पीच देकर भाषण देकर जा नहीं सकते हैं, हम लोग तो डेली को मिलना पड़ता है मजदूर। सर राजेंद्र बाबू को कुछ कुछ काम देखे बताए, कुछ छूट गया हो जो राजभरा सकते। देखिए राजेंद्र बाबू तो हमारे बहुत अच्छे नेता थे, बड़ी मैच्योर लीडर थे और इतना व्यवहार कुशल लीडर थे कि वो लगता था हर कार्यकर्ता के तुम्हारे बच्चा की तरफ प्यार करते। कोई भी नेता जब जाता है तो कुछ ना कुछ काम तो रहता है, जिससे उन्होंने ज़िंदगी में पूरा प्रयास किया अपना काम करने का। लेकिन इसके बाद जो भी आप बता रहे थे आपको कि ये हमको इन लोगों के लिए काम करना है, संगठन बनाना है इनको असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, ये कल कारखाने जो देख रहे हैं जिस स्थिति में है उसको फिर दोबारा उभारने के लिए भी उनमें हम लोगों को रोल प्ले करना पड़ेगा, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा एक यूनियन लीडर को आज के डेट में, ताकि कल कारखाने भी चलते रहें, मजदूर भी जिंदा रहे, ये एक बैगल दूसरा चलने वाला नहीं। तो ये जो काम है वो राजेंद्र बाबू का दिया हुआ काम है जिसको हमको पूरा करना चाहिए। जब ये सब हम काम करेंगे मजदूरों के, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, यही मेरा काम है।